हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि होगी एक इस ट्रांसफार्मर की वीडियो। तो थंबनेल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो आज हम इस ट्रांसफार्मर से बनाने वाले हैं वेल्डिंग मशीन। ये है मेरे पास UPS का ट्रांसफार्मर जो कि 12 वोल्ट का होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसके अंदर क्या करने वाले हैं वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी इसकी जो बाहर से टेप लगी है इसको निकालते हैं। सो गाइस, ये ट्रांसफार्मर था जो मैंने खोल दिया है अभी। तो ये सारा मैंने निकाल दिया है, इसको फिर से जोड़ेंगे। तो ये थी इसकी जो है, जिस कॉइल को निकालना था वो बाहर वाली कॉइल थी, इसको मैंने निकाल दिया है। तो बाकी वायर वैसे की वैसे ही है, इनके साथ मैंने छेड़खानी नहीं की है। यहाँ पे हम मोटी वायर लपेटेंगे, तो जो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ और इसके अंदर हमें मतलब ब्लू और ब्लैक वायर ही चाहिए। मतलब ये जो दो है, ग्रीन और येलो, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये कहाँ तक है। अगर अंदर ज़्यादा अंदर ही टाइट होगी तो इनको नहीं खोलेंगे, अगर बाहर बाहर से होंगी तो इनको खोल देंगे। तो सो गाइस, फाइनली ट्रांसफार्मर मैंने मॉडिफाई कर दिया है जो कि कुछ इस तरीके से देखने में लग रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी मैंने जो वायर थी वो भी निकाल दी है। तो मैंने छोड़ी थी ब्लू और रेड, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कनेक्शन मैंने कहाँ चली गई, हाँ ब्लू और रेड नहीं, मैंने एक ब्लू और ब्लैक वायर छोड़ी थी। मतलब ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये दो वायर छोड़ी थी। और जो इसके अंदर छोटी पतली कॉइल थी उसको मैंने निकाल के ये रही वो कॉइल। तो देख सकते हैं आप, ये येलो वायर भी है और ये ग्रीन वायर भी है। सबसे पहले ग्रीन थी, ग्रीन को मैं निकालता रहा। उसके बाद इसी वायर के साथ येलो वायर भी कनेक्ट थी, मैंने उसको भी निकाल दिया। और उसके बाद एंड में ये थी ब्लू वायर के साथ अटैच। तो ब्लू से मैंने कट कर दिया यहाँ से, और बाकी बच गई थी यहाँ पे ब्लैक और ब्लू बच गई थी। तो ऐसे थी ये, और एंड में सबसे लास्ट में थी ये दो कॉइल, ब्लैक और ब्लू। तो बाहर से मैंने ये दो निकाल दी और एंड में ये दो बच गए। तो इनको मैंने रहना दिया क्योंकि ब्लू और ब्लैक तो एंड वाली थी। तो उसके बाद मैंने ये इतनी मोटी जो है कॉपर वायर लगा दी है। आप देख सकते हैं इतनी मोटी है, इसके अंदर इतना मोटा कॉपर है और ये ब्लैक भी हो चुकी है अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मैंने इसकी जो है ये जो मेटल सीट होती है चढ़ा ली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लगा दी है। तो अभी आप ये वायर देख रहे हैं, तो ये किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ये पहला हिस्सा ये है और लास्ट वाला ये है। तो अगर यहाँ से करंट दोगे तो यहाँ से निकलेगा। तो मतलब बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी चीज़ के साथ टच नहीं है। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग नहीं किया है इसकी, इसके वजह से ये यहाँ पे स्पार्क हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये वर्क कर रहा है, तो इसके साथ बिल्कुल भी करंट नहीं है। और आवाज़ आप सुन ही सकते हैं, ये वायर को हिलाने से अलग अलग आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे कम हो गई, ये इसी की आवाज़ है। तो देख सकते हैं आप करंट। और अभी यहाँ पे ये कील देख रहे हो, ये देख सकते हैं आप, ये माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो इसको देखना, इस तरीके से बना देंगे। इसको इधर डाल दिया, लाइव आपके सामने है। इसको देख ही सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम करें। तो
गाइस इसके अंदर बहुत सारे एम्पेयर बन चुके हैं, तो सिंपली हमने यहाँ पे 4 टर्न लगाए हैं, देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, और जिसके कारण इसके अंदर एम्पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके साथ आप स्पॉट वेल्डिंग भी कर सकते हैं, और मतलब जो वायर वगैरह गर्म करना हो या कुछ छोटी मोटी चीज़, जैसे कि ये मोटर का है, देख सकते हैं आप, इसके साथ देख सकते हैं आप कितनी मोटी होती है, तो देखना अब। पकड़ में आ जा, पकड़ में। तो गाइस मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और जल्द ही वीडियो लेके आएंगे फिर से दोबारा, और वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट डाला तो वीडियो आ जाएगी।